चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कुछ फेशियल योगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले वार्म अप से। बहुत ही शांत चित से आप करें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, लेकिन इसको रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर करें इसको, तो आपको डेफिनेटली आपकी डबल चिन में बहुत ही फेशियल एक्सप्रेशन आने में और चिक बोन आने में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे ये आसन। तो ये एक्सरसाइज तो आप स्टार्ट करते हैं। अपने नेक को नेक रोटेशन करेंगे, नेक को राइट से और इस तरह से पूरी अवेयरनेस के साथ घुमाते हुए लेके आएंगे एक बड़ा सा सर्कल। स्टार्ट करते हैं, सांस भरते हुए उज्जयी श्वास में जाएं। और छोड़ते हुए वापस आएंगे, ऐसे जाएंगे और फिर छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर लेफ्ट से जाएंगे और राइट से छोड़ते हुए आएंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पूरी गर्दन को अच्छे से खींचेंगे, अच्छे से खिंचाव को महसूस करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम, आंखों को बंद करके करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप करेंगे, सांस भरें, गर्दन को पीछे ले जाएं, खींच के रखें इसको, यहां पूरा गर्दन में आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए। जितना पीछे ले जा सकते हैं नेक को, शोल्डर एकदम सीधे, कंधे एकदम सीधे, और सांस छोड़ते हुए नीचे। चिन को ठुड्डी से लगा ले, नहीं, चिन को गले से लगा दे। एक बार और करेंगे, तीन बार करेंगे। वापस। अगर आप उज्जयी श्वास में करेंगे ये सभी गर्दन की एक्सरसाइज, आपको बहुत फायदा होगा। मुझे बोलना है इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूं। अब गर्दन को लेफ्ट और राइट, शोल्डर को बिना हिलाए पूरा गर्दन के ऊपर, राइट शोल्डर के ऊपर राइट गर्दन, सांस भरते हुए यहां पूरा खिंचाव आप महसूस करें लेफ्ट साइड में। वापस लेफ्ट साइड। पूरे इस खिंचाव को महसूस करें। अगर आपकी शोल्डर भी ऐसे उठ जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इस हाथ को अपने नीचे दबा लें और खींचे। और अगर ये भी नहीं हो रहा है तो इस हाथ को कंधे को नीचे खींचे और गर्दन को इस साइड में खींचे। राइट शोल्डर को लेफ्ट शोल्डर पे रखें, राइट हैंड को, और खींचे इसको, गर्दन में खिंचाव को महसूस करें। विश्राम, ये भी कम से कम आप तीन बार करेंगे। अब राइट साइड में मुड़ेंगे, सांस भरते हुए पीछे की ओर देखें, जितना पीछे देख सकते हैं, शोल्डर एकदम सीधे रहेंगे। सामने ये देखिए, यहां ये पूरा खिंचाव महसूस करें। अब सीलिंग की ओर देखें और अपने जॉ से
अपने माउथ से सीलिंग को किस करने का पोजीशन देंगे। आई होप कि आपको दिख रहा है ठीक से। नियमित अभ्यास से आपका जरूर आपको फायदा होगा इस डबल चिन में। अब गर्दन को डायगोनली आप ऊपर करेंगे, टाइट रखें यहां, और टंग को ऊपर पैलेट पे लगा ले। पूरे खिंचाव को महसूस करना है। लेफ्ट, विश्राम। 30 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लें, विश्राम करेंगे। अब अपनी जॉ को लेफ्ट और राइट इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। विश्राम। अब सर्कल में करेंगे जॉ को और चिन को थोड़ा ऊपर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आप विंगम को चबाते हैं, नेक्स्ट बेस्ट फेशियल के लिए आप स्विंगम को भी आप चबा सकते हैं। अब आते हैं अंदर, आपको टंग को पूरे माउथ में अंदर की साइड में रोटेट करना है। अब अपने दोनों हाथों से अपने यहां रखना है और हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में उसको घुमाना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये आसना आप कभी भी कर सकते हैं, खाली बैठे हुए तो आप जरूर ही करें। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, फिंगर से अपने थंब को यहां लगा दें अपनी आपकी चिक बोन के लिए, और इस तरह से ऊपर झटका से स्किन को ऊपर ले जाएं। अब अपने इन मसल्स को टाइट करें।
आई होप कि आपको इन एक्सरसाइज से बहुत फायदा होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ और नए फेस एक्सप्रेशन, योगा और बहुत सारी एक्सरसाइज लेके।